सुधार इस हद तक होना चाहिए कि आप जहां भी खड़े हों आप अलग दिखें अगर आप मर भी जाएं तो भी आप जिए लेकिन जीवित होते हुए आपको मरा हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह से बहुत सारे साधु संत जो इतनी तीव्रता से जिए कि हजारों साल बाद भी हम उन्हें भुला नहीं सकते आपके साथ इतना जरूर होना चाहिए कि आपका शरीर आपका मन आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जाएं आपके जीवन में रुकावट नहीं है अभी कल ही कोई मुझे याद दिला रहा था मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया यूएस और यूके में मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त थी मैं यहां आया सिर्फ एक दिन आश्रम में फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया बेहद व्यस्त दिनचर्या एक दिन के लिए मैं किसी बेकार बुखार से बीमार हो गया और फिर मैं यहां आया सिर्फ एक दिन के लिए फिर मैं नेपाल गया मैंने कैलाश में ट्रेकिंग की नेपाल में ट्रैक किया कैलाश में ट्रैक किया मैं वापस आया एक पूरा दिन भी नहीं आधा दिन फिर मैं कावेरी कॉलिंग के लिए चला गया आपको पता है मैं दिन के देश भ्रमण पर था जहां मैं कावेरी कॉलिंग के लिए राजनीतिक सहायता पाने की कोशिश कर रहा था मैं वापस आया और उसी दिन मैंने कावेरी कॉलिंग शुरू कर दिया और इसे खत्म करके बस मैं यहां आया ही था एक दिन भी नहीं सत्रह को हम आए अठारह को सुबह नौ बजे मैं, मैं मीटिंग्स के लिए बैंगलोर चला गया और यह चलती ही रही मैं कल ही लौटा हूं तो वो कह रहे थे सदगुरु आपने एक दिन का भी आराम नहीं किया आज मेरे आराम का दिन है आप तालियां क्यों बजा रहे हैं सुबह से फाइलों का ढेर लगा हुआ था और यहां पर आप सभी हैं और अब मीटिंग पर मीटिंग है और आज रात 11 बजे काल भैरव कर्म है आज रात महालय अमावस्या यह आराम का दिन है तो क्या शरीर कभी कभी शिकायत करता है बिल्कुल यह करता है अगर शरीर शिकायत नहीं कर रहा है इसका मतलब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हेलो इसे जरूर शिकायत करनी चाहिए लेकिन आपको नहीं आपको यही सीखना है इसके लिए आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति भक्ति की जरूरत है अगर आप में भक्ति नहीं है शरीर से पहले मन शिकायत करेगा भावनाएं शिकायत करेंगी हर चीज शिकायत करेगी नहीं 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 पहले शरीर को शिकायत करनी चाहिए मतलब आप शारीरिक रूप से पूरा खींच गए हैं फिर मन समझदारी से मेरी तरह समझदारी से फैसला ले सकता है आप मेरी तरह आराम कर सकते हैं मतलब रात में सिर्फ 12 बजे तक आप काम करते हैं सिर्फ आधी रात तक उसके बाद आप सोते हैं नहीं तो सुबह दो बजे तक काम होता है आज आराम का दिन है अगर आपका शरीर यह महसूस नहीं कर रहा है कि जीवन कठिन है शरीर मन नहीं अगर आपका शरीर यह महसूस नहीं कर रहा है कि जीवन कठिन है इसका मतलब आप कोई सार्थक काम नहीं कर रहे आपका शरीर लगातार काम पर लगाया जाना चाहिए इसे सोचना चाहिए कि यह कठिन है जब आप बेड पर जाएं तो आप सोए नहीं आप मर जाएं। yes. एक तकिया इस तरह है नींद नहीं आ रहा है no. आप पत्थर पर लेट जाएं। आप ऐसे ही मर जाएं। दिन के खत्म होने तक आपको इस तरह होना चाहिए हाँ? फिर अगले दिन सुबह यह इस तरह से उछल पड़ेगा जैसे फिर से जन्म हुआ हो इस तरह नहीं आपको महसूस होना चाहिए कि यह शरीर के लिए कठिन है क्योंकि यह इसकी प्रकृति है आप इससे जितना ज्यादा काम लेते हैं यह उतना ज्यादा मजबूत बनता है उतना ही बेहतर बनता है हाँ जो इसे अगले दिन के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो जीवन बचाकर नहीं रखा जा सकता है यह समझना जरूरी है हाँ मरी हुई चीजें बचाकर रखी जा सकती हैं, जीवन बचाकर नहीं रखा जा सकता है इसे सिर्फ पोषण देकर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप खुद को संभाल कर और बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा उन्होंने मुझे लगातार व्यस्त कर रखा था यह कहा था बैंगलोर या दिल्ली में कहीं बहुत सारे कार्यक्रम लगातार मीटिंग्स मैंने कहा मैं छुट्टी पर जा रहा हूं एक घंटे की जब आप जवान हैं तो आपके जीवन में एक घंटे की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए हाँ? नहीं तो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे हां जो बहुत ज्यादा छुट्टियां लेते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं जब आप जवान हैं तो पांच मिनट भी छुट्टी नहीं लेनी है इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप लगातार खुद को सुधार रहे हैं या तो बाहरी काम से या अंदरूनी काम से लेकिन सुधार इस हद तक होना चाहिए कि आप जहां भी खड़े हों आप अलग दिखें यह किसी के साथ होड़ लगाने के लिए नहीं है लेकिन इस जीवन को पूरा विस्तार मिलना जरूरी है है ना यही हर एक जीव कोशिश कर रहा है यह हमारे लिए अनोखी चीज नहीं है एक नारियल का पेड़ अच्छा नारियल का पेड़ बनने की हर संभव कोशिश कर रहा है पूरी तरह से यही चीज एक पंछी के साथ है टिड्डे के साथ है एक कीड़े के साथ एक हाथी सबके साथ है, है कि नहीं सिर्फ इंसान झिझक रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दिमागी गतिविधि को सही से चलाना नहीं सीखा है उनके अपने विचार उन्हें उलझा रहे हैं एक बुनियादी सवाल भी मुझे पूर्ण विकसित जीवन बनना चाहिए या नहीं ऐसा सवाल एक बहस का मुद्दा बन गया है और लोग सोचते हैं कि यह बुद्धिमानी है Hello. आपको एक पूर्ण विकसित इंसान बनना चाहिए या नहीं क्या यह बहस बहस की बात है हाँ इसमें कोई बहस की बात नहीं है जीवन इसी तरह है इसे पूर्ण विकसित जीवन बनना ही है अगर यह पूर्ण विकसित जीवन बनता है तो यह क्या करेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या करेगा यह जो भी करेगा बहुत अच्छे से करेगा यही है जो महत्वपूर्ण है यह जो भी करेगा अच्छा करेगा बस इसी की जरूरत है ऐसा नहीं है कि इस संसार में बस एक तरह का काम महत्वपूर्ण तो है हर एक काम महत्वपूर्ण तो है अगर इसे सही से किया जाए तो यह शानदार होगा यह जो भी हो कोई पोछा लगाता है देखिए उन्होंने अच्छे से किया है क्या यह शानदार नहीं है क्या यह किसी काम से कम है तो इसके लिए सबको एक ही तरीके से देखने के लिए हर समय पूरी गति से काम करने के लिए आप में भक्ति होनी चाहिए आप में भक्ति की आग होनी चाहिए नहीं तो थायरे मैं थायरे के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं यह गाय के लिए भेदभाव वाली बात हो सकती है अगर आप मर भी जाएं, तो भी आप जिएं। लेकिन जब आप जीवित हैं तब आपको मरा हुआ नहीं होना चाहिए है कि नहीं हेलो जिन्होंने अपना जीवन सच में पूरी तरह से जिया वो मरने के इतने लंबे समय बाद भी कुछ मायनों में जीवित हैं ऐसा है कि नहीं तो हम हजारों साल बाद भी याद योगी को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी गहरी तीव्रता से जीवन जिया इस तरह के बहुत सारे साधु संत जो इतनी तीव्रता से जिए कि हजारों साल बाद भी हम उन्हें भुला नहीं सकते वो अब भी हमारे दिलो दिमाग में बसते हैं कुछ दिनों में महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती है देखिए ये इंसान अभी जीवित है सिर्फ इसलिए कि जो भी वो कर रहे थे हम उनके साथ बहुत सारी चीजों पर सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन वो जो भी कर रहे थे पूरी तरह से बिना किसी झिझक के कर रहे थे है कि नहीं आपके साथ इतना जरूर होना चाहिए कि आपका शरीर आपका मन आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जाएं आपके जीवन में रुकावट नहीं है यह आपके जीवन में सशक्तिकरण का साधन है इतना आपको जरूर करना चाहिए